आज की वीडियो में हम लोग HTML, CSS, JavaScript को यूज़ करके एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि है डिजिटल क्लॉक। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बेसिक सी HTML का सेटअप कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर नाम लिख देते हैं डिजिटल वॉच। अब हम यहाँ पर एक ड्यू टैग बना लेंगे सेंटर नाम से, एंड इसके अंदर हम लोग तीन H1 टैग बनाने वाले हैं। एंड यहाँ पर इसकी जो आईडी है वो हम लोग रखेंगे सेकंड, तो इसको हम लोग शॉर्ट में SND लिख देते हैं। एंड यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड। इसी तरीके से हम लोग मिनट के लिए बनाएंगे। एंड यहाँ पर आवर्स के लिए सो आवर्स जो है उसको हम लोग सबसे ऊपर लिख लेते हैं, देन हमारा आएगा मिनट्स। सो अब हम इसको सेव करके रन करके देखते हैं। सो जो इस तरीके से आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। सो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इनको सेंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टाइल। अब हम जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बनाने वाले हैं। सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्क्रिप्ट, एंड यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे अपडेट टाइम। बेसिकली एरो फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पे। एंड यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे डेट नाम से, एंड उसके अंदर जो हमारी डेट है उसको स्टोर करा लेंगे। न्यू डेट, आपको पता ही है कि जो डेट ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके थ्रू हम लोग जो टाइम है, डेट वगैरह है हमारे सिस्टम के थ्रू वो हम लोग शो कर सकते हैं। सो इसको यूज़ करके यहाँ पर हम लोग SND के अंदर जो सेकेंड्स से है उसको कैसे स्टोर कराएंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेट डॉट गेट सेकेंड्स। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो SND के अंदर हमारे सेकेंड्स से स्टोर हो जाएंगे। सेम उसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं मिनट्स एंड आवर्स के लिए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मिन, एंड यहाँ पर गेट मिनट्स, एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आवर्स के अंदर गेट आवर्स। सो इस तरीके से हमने सेकंड्स, मिनट्स एंड आवर्स को स्टोर करा लिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे जो HTML के H1 टैग्स हैं उसके अंदर हम लोग आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स को शो करना चाहते हैं, तो वो हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमारी जो आईडी होने वाली है वो सबसे पहले होने वाली है HR, एंड डॉट इनर HTML इक्वल्स टू पार्स। इस तरीके से सेम वे में हम लोग यहाँ पर मिनट्स एंड सेकंड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग SND लिखेंगे, एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे SND सेम तरीके से मिन, सो ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे। सो फाइनली हमने हमारा जो अपडेट टाइम नाम का फंक्शन है उसको कोड कर लिया है। उसके अंदर हम लोग डेट ऑब्जेक्ट जो है उसकी हेल्प से हमने सेकंड्स, मिनट्स एंड आवर्स को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर सेट इंटरवल नाम से, हम लोग उसको यूज़ करने वाले हैं। सो सेट इंटरवल क्या करता है, सेट इंटरवल को दो आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं हमें। तो पहला आर्ग्यूमेंट होता है फंक्शन का नाम, एंड दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है हमारा टाइम। तो जो
पहला आर्ग्यूमेंट होता है उसमें फंक्शन का नाम हमें इनपुट करना होता है, एंड दूसरे आर्ग्यूमेंट में हमें टाइम सेंड करना होता है मिलीसेकंड्स पे। तो हमने यहाँ पर 1000 मिलीसेकंड को इनपुट कर लिया है, मतलब हर एक सेकंड के बाद हमारा अपडेट टाइम जो है वो कॉल होता रहेगा। तो अब हम इसको सेव करते हैं एंड ओपन विद लाइव सर्वर करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा टाइम डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर कुछ CSS को लगा देते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सा सही दिखे। ना यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं, अब चेक करते हैं हमारा आउटपुट कैसा रहा है। सो बेसिकली हमें आवर्स के बाद ये नहीं लगाना है, इसको हम लोग कट करके यहाँ पर मिनट्स के बाद हमें ये लगाना है। अब हम इसको सेव करके देखते हैं, एक्चुअली सेकंड्स के बाद भी हमें नहीं लगाना। यहाँ से हम लोग यहाँ पर इसको कट पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसको सेव करके देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा टाइम आ चुका है, जैसा कि हमारा एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। जो हमारे सिस्टम का टाइम है वो यहाँ पर लाइव शो हो रखा है, जैसे हम लोग चेक करके देखते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 12:40। और अगर हम लोग यहाँ पर आके चेक करके देखते हैं और हमारा एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर शो हो रहा है, और वो टाइम जो है वो हर एक सेकंड के बाद अपडेट भी हो रहा है। सो इस तरीके से आप लोग जावास्क्रिप्ट HTML CSS की हेल्प से एक लाइव डिजिटल क्लॉक बना सकते हो, और इस प्रोजेक्ट को आप एज अ मिनी प्रोजेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।